जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को चार गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने यह पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो यह निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर अंतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले शंभो में तेरी पर हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पितृपक्ष में पढ़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूप अंश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए, तो कहा जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया, तोते का अंडा कोटर में गिर गया, उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया, और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव, दोनों को मिला दो तो हो गया शुक्रिया। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है, इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया, भगवान शिव सुखदेव जी। पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुरु, आप अमर तत्व को धारण करने वाला। भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के भगवान, और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है,
भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है।